गुरुवार की शाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन होने से पूरा देश शोकाकुल हो चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौत पर शोक व्यक्त किया गया। प्रदेश भाजपा के कोलकाता स्थित कार्यालय में गुरुवार की शाम एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष समेत अन्य भाजपा नेताओं ने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पदान और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखो अटल जी प्रधानमंत्री होए बांगला दूजन एमपी के दिए और सामान्य योगदान दीते पे से ही प्रेरणा थे क्या शुरू कर आज के अनेकटा एगिए दूजन एमपी आज सरकार क्योंकि आज के बांगला जो पार्टी विस्तार हो प्रेरणा नहीं कर्मी काज कर चले और বাংলার কাজ ছোট থাকলেও আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন অনেক পুরনো কার্যকর্তা যারা অটলজির সঙ্গে গল্প করেছেন থেকেছেন বসেছেন যখনই গেছেন ব্যক্তিগত কুশল বহু পুরনো পুরনো কর্মীদের বাড়ির খবর পর্যন্ত যেখানে গেছেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করতেন এখনই কথা হচ্ছিল এটাই আমাদের কাছে প্রেরণা এত বড় হয়েও তিনি ছোট কার্যকর্তাদের কথা মনে রেখেছেন তাদের কুশল কামনা করেছেন এটাই আমাদের কাছে পাত্র।